शॉप एरिया में सेम नहीं है, प्रॉब्लम है। शॉप ठीक है, रात में प्रॉब्लम है, खाली बिल्कुल। सब शंकर भगवान की कृपा है, सब शंकर। मैंने आपके हाथ में टैटू भी देखा है, ये देखिए भाई सबके हाथ में और रुद्राक्ष। सौरभ जोशी, तू उसका वीडियो देखता है ब्लॉगर का? वाह बात कर रहा है क्या? कौन सा? और सौरभ जोशी, सौरभ जोशी पीयूष को जानते हैं? गेमिंग का, गेमिंग नहीं करता। देखो धूमधड़ा का, धूमधड़ा का ये सब, धूमधड़ा का किसने का? मतलब हाँ, मतलब शाकाहारी बाजार को दूसरा भारत कहते हैं। दोस्तों तो कैसे आप, गुड मॉर्निंग। तो आज का वीडियो का टॉपिक है, हम जा रहे हैं शाकाहारी मार्केट जहाँ ओनली वेज खाना मिलता है, खाने पीने की चीज़ें मिलते हैं, और वहाँ आजू बाजू में हिंदू टेंपल भी है तो वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। और वहाँ सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के हिंदू वहाँ रहते हैं, तो हिंदू किस हालत में रहते हैं, उनकी क्या है, कैसे खाना खाते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, हर चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहना। तो अभी इस मार्केट में हम पहुंच गए, शाकाहारी मार्केट। तो आप देख सकते हैं ऐसे शॉप है इधर, बड़े बड़े शॉप्स है। तो ये देखो सोने की दुकान है, किसी को लेना होगा तो बांग्लादेश आइए। तो अभी देखते हैं, देखो हार वगैरह लगाए, तो इस बात सब बना रहे हार। बहुत बड़ा मार्केट है और हिस्टोरिकल प्लेस है, मतलब बहुत पुराने कल्चर का लोग इधर रहता है, तो आपको देखने को मिलेगा। और बहुत मतलब काली माता का मंदिर है, अभी देख सकते हैं इधर भजन चालू है, उसका आवाज़ तो आपको आता ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं, देखो काली माता का मंदिर, इधर कैमरा अलाउड नहीं है तो आप देख सकते हैं, ये देखो। तो हम लोग अंदर जाके दर्शन लेके आते हैं। देख सकते हैं आप सब लोग, जय राधा कृष्ण, जय राधा कृष्ण। अपने हिंदू महिलाएं और बहुत प्यार से रह रही है, सब प्यार से रहना, सब अच्छा लगेगा। तो ऐसे लोग हैं अच्छे लोग, तो अच्छा लगा आपसे मिलके। अपने को मतलब एक अपना हिंदू धर्म का कल्चर है, तो कल्चर हम भूल नहीं सकते, कितने दुनिया में कहाँ भी जाए पर अपना कल्चर छोड़ नहीं सकते, वो कल्चर है वो वाले। तो उन्होंने अभी मेरे को प्रसाद दिया है, वो प्रसाद खाते माता रानी का और राधा कृष्ण भगवान का दर्शन देते हैं, और यहाँ से भगवान निकल और हिंदू कैसे रहते हैं वो दिखाते हैं। कितना प्यार करते हैं लोग यार, मतलब उन्होंने मेरे को प्रसाद खिलाया, मेरे को बोले कि गुरु माँ का दर्शन लो, भगवान का दर्शन लो, मतलब कितने प्यार करते हैं लोग। रात को बोलते जगराता है, खाना खाने के लिए आ जाओ, भजन है, बहुत मतलब बहुत प्यार करते इधर के लोग।
मतलब बहुत अच्छा लगा कि दूसरे देश में आके इतना प्यार करते लोग, तो अच्छा लगा आपको वो वीडियो बहुत अच्छा लगेगा वो भजन करते हुए, शॉर्ट ही डालूंगा ज़्यादा बड़ा नहीं डालूंगा, तो बहुत सही है। तो देख सकते हैं ऐसे शॉप है जहाँ मूर्तियाँ मिलती है, देख सकते हैं बहुत पुराने पुराने शॉप है, मतलब पुराने कल्चर का, ये देखो ऐसा मूर्तियाँ बनाती है इधर, तो बहुत सही लग रहा है कि काली माता का मूर्ति बनाते हैं इधर सब, देखिए। तो ऐसा है कि पुराना है सब, पुराना कल्चर देखने को मिलेगा, मतलब जो लोग पार्टीशन के बाद इधर रह चुके वही हिंदू लोग जो इंडिया का पार्ट हुआ करते थे, जो कभी पाकिस्तान का भी पार्ट हुआ करते थे, ईस्ट पाकिस्तान कहते थे इसको, तो देख सकते भाई लोग, भाई साहब उनका भी इधर शॉप है, दिवाली का सब कंटेंट बेच रहे, मतलब बेर वगैरह बेच रहे, देख सकते मोमबत्ती है, तो सब चीज़ें इधर मिल रही है, मतलब ये इंडिया में जो जैसा है वैसा ही इधर है, मतलब कुछ डिफरेंट नहीं है, अच्छा लगा देख के। आपका नाम भाई साहब? नाम जन्म तो आप इंडिया आए कभी? बहुत बार गया। क्या बोल रहे तो इंडिया पे जो भगवान शंकर का जो धाम है ना, चार ज्योतिर्लिंग हम कंप्लीट किया है, भीमाशंकर नहीं, महाकालेश्वर उज्जैन का है, उज्जैन का महाकालेश्वर, गुजरात में सोमनाथ, ओंकारेश्वर, अरे काशी विश्वनाथ, रामेश्वरम, अरे चार ज्योतिर्लिंग परिवार के साथ हमारा दो बच्चा है हमारा, वो भी वो उसके साथ कंप्लीट किया है, अभी भी हमारा यह है कि और छः भी कंप्लीट करेंगे, भीमा शंकर है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, वो भी कंप्लीट करेंगे, और हमारा आशा है। मतलब देखिए, मतलब दूसरे देश में रह के अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ रहे, बहुत बड़ी बात है, और मेरे को लगता है कि ऐसे लोग दुनिया में हर जगह पर मिलेगा, खाली हिंदू लोग, सब शंकर भगवान की कृपा है, सब शंकर, मैंने आपके हाथ पे टैटू भी देखा है, ये देखिए भाई सबके हाथ में, और रुद्राक्ष माला भी है, तो बहुत बड़ी बात है, अच्छा लगा मिलते हैं आप। तो भाई साहब देख रहे पंतियों को, दिए को कलर लगा रहे, ये मिट्टी का है, तो कलर भी देख सकते, अरे यार पेंट किया है, देख सकते हैं आप लोग, तो मतलब कितना टका का है? 300 टका का है, और ये पंतिया को मतलब ये दिए 10 टका का है, और मतलब अभी हम जैसे बात करते हैं कि अभी कोई भी बोल सके पर ये मुस्लिम कंट्री बराबर है, तो आप हम हिंदुओं के लिए सेफ है, बांग्लादेश का सेफ है, पुरान ढाका सेफ है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नहीं, हाँ मतलब कैसा होता है कि तू हिंदू है मैं मुस्लिम हूँ ऐसा कुछ नहीं है, हाँ तो देख सकते हैं, मतलब हमारे लोग भी यहाँ रहते हैं, मतलब जो पार्टीशन के बाद यहाँ बांग्लादेश में रह चुके हैं लोग, जो खुश है, मतलब हैप्पी है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अपनी ज़िंदगी खुशहाल जी रही है, खुशहाली से जी रही है, द्वितीय भारत मतलब, हाँ मतलब शाकाहारी बाजार को दूसरा भारत कहते हैं। कितना शॉप रहेगा, शॉप दुकानें कितने रहेगी? दुकानें रहेगी वही रंगोली आछे, तापर तो दीपावली, नहीं नहीं मतलब ये शॉप कितना है, ये शॉप्स कितने? 142, उसमें खाली एक मुस्लिम शॉप है? नहीं, एक भी नहीं, सब हिंदू। अच्छा, मतलब देख सकते हैं लोग कितने प्यार से बात करते, थोड़ा हिंदी में लैंग्वेज बैरियर है क्योंकि उनका लैंग्वेज समझ में नहीं आता उनको, पर अच्छे लोग हैं, बात अच्छे करते, मतलब अपने लोग हैं तो अपने तो ख्याल तो मिलते ही रहेंगे, मतलब वो उनको नहीं समझ में आता है पर फीलिंग समझ में आता है क्या बोलना चाहता हूँ, तो अच्छी बात है, तो कोई तो मिलेगा हिंदी बोलने वाला इधर से जाते जाते, देखो धूमधड़ा का ना, तो धूमधड़ा का है सब, धूमधड़ा का कितने का? 200, 100, 200, अच्छा दे दिया, थैंक यू। तो बहुत अच्छा लग रहा है मतलब इधर आके, मेरे को अच्छा लगा नहीं था कि इतना भी मैं भूल जाऊंगा इधर,
अच्छा लग रहा है। देखो किसी को चाहिएगा तो लेने के लिए आ जाओ। चलो अच्छा है, देख सकते हैं इधर भी। हाँ इधर दिवाली का त्यौहार जोर में मनाते, एक दिन का रहता है, अपने इंडिया जैसा 5 दिन का नहीं रहता। पाँच दिन नहीं रहता तो आप देख सकते हैं, तो अच्छा लग रहा है इंडिया। तो दोस्तों अपने को हिंदी आने वाला एक स्टूडेंट मिला है, उसको हिंदी अच्छी आती है, अंकल भी को भी आती है, तो डीजे मास्टर है, उसका सेटअप देख लेना। मतलब इधर रैली में वगैरह डीजे प्ले करते हैं अपना हिंदू है मुस्लिम, हाँ तो पर अच्छा लगा तेरे से बात करके, और अच्छा तू हिंदी इजीली बोलता है। इंडिया आएगा कभी, कब आने वाला है, कौन सा इधर मुंबई में आएगा? देख सकते हैं इधर भी एक काली माता का एक मंदिर है, आप देख सकते हैं जो ओपन नहीं रहता, तो लोग इधर भी श्रद्धा से भक्ति से दर्शन लेने के लिए आते हैं। तो बहुत बड़ा मार्केट, पूरा मार्केट घूमने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो अभी छोटा छोटा क्लिप मैंने बनाया है तो देखा। तो दोस्तों आपने देखा वो म्यूजिक का वीडियो, मतलब वो पीसी पे लगाए थे, तो इधर क्या है पता है, वो जो मेमोरी कार्ड लेके आए थे और वो मेमोरी कार्ड में अपने हिंदी गाने हो, मतलब जो इंडिया के गाने हो वो डलवा के लेते हैं। मतलब क्या कल्चर है, अभी भी 10-15 साल पीछे थोड़ा सा बांग्लादेश, जो इंडिया में 10-15 साल 20 साल पहले होता था, मेमोरी कार्ड में गाने डलवा के लेते थे, किसी और के पास पीसी रहता था, पीसी कंप्यूटर रहता था, उस पर जो डाल के लेते थे गाने डाल के लेते थे मेमोरी कार्ड में, तो अभी भी वैसा ही इधर है। तो वो इसलिए छोटा सा प्ले किया क्योंकि कॉपीराइट आता है ना, तो इसलिए छोटा सा क्लिप प्ले किया। तो देख सकते हैं दोस्तों ऐसे मिट्टी के मिलते दिए लगाने के लिए, तो मतलब दीपावली का मौसम है इसलिए। इंडिया आपको इंडिया आता है? हाँ इंडिया आपको आता है। तो आपका नाम क्या है? विदाय। अच्छा तो आप इधर के? बांग्लादेश में। अभी इधर ही रहते हैं कि क्या इधर घूमने के लिए? बांग्ला बोलिए, बांग्ला। बांग्ला नहीं आती ना? हम तो इंडिया से। अच्छा तेरे को हिंदी? हाँ। तो तेरा नाम क्या है? अच्छा तो स्कूल में जाता है? कौन से स्टैंडर्ड में, कौन से क्लास में पढ़ता है? सिक्स में पढ़ता है। तो इधर को हिंदी कैसे क्या आती है? मतलब मेरा मैं हिंदी वीडियो देख के ऐसा 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 तो अच्छा लगा को देख के। अच्छा तो देख सकते हैं, मतलब हिंदी सौरभ जोशी, तू उसका वीडियो देखता है ब्लॉगर का? क्या बात कर रहा है, मतलब तुम सौरभ जोशी का वीडियो देखता है? अरे यार जेठालाल का महावीर का कौन सा दिखाओ, देख सकते हैं आप। हनुमान जी का ये देख सकते हैं, हनुमान जी का मंदिर। और बाकी क्या, कौन सा और सौरभ जोशी, सौरभ जोशी पीयूष को जानते हैं? गेमिंग का, गेमिंग नहीं करता वो, ब्लॉगिंग ही चालू है ना? गेमर भी है। और तू क्या बनना चाहता है? मैं ब्लॉगर। हाँ, चालू की कब चालू कर रहे थे? मतलब जब क्लास 8 को उठूंगा। पर अभी किया ना तो अच्छा है, पर पढ़ाई पे भी ध्यान देना पड़ेगा, तो घर वाले बोलेंगे, बोलेंगे तेरे को कर, तेरे को कुछ करना है जो। मैं मुंबई से इंडिया, मुंबई पता है? कब? क्यों? क्योंकि मेरे बापू का इंडिया पे घर है। घर है? I mean my father's father is India. Wow. तो where from? कोलकाता। दमदम से। अच्छा, अरे यार तो अच्छा लगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, पूरा शाकाहारी मार्केट और
और इसको हमने एक्सप्लोर किया, छोटी छोटी चीज़ें दिखाई। तो आपको कैसे लगा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके और लाइक करके शेयर करके थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, तो धन्यवाद। तो दोस्तों फिर एक दोस्त मिले और उनको हिंदी बहुत अच्छे से आ रहे, अपने हिंदू बंदे बहुत अच्छे से बात कर रहे। तो उनका एक शॉप है, तो भाई आपका नाम? जॉनी नाम है उनका। तो इन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि पैसा कभी भी रात को लेके मत घूमना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मतलब नाइट में, स्पेशली नाइट में किसी पर भरोसा मत करना। तो ये अच्छा सजेशन किया, तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ। तो आप कितने साल से ये शॉप चला रहे? 8 साल से। अच्छा, बहुत अच्छा है। मतलब इंडिया से कुछ लाते हो? कुछ नहीं, पूरे इंडिया से आ रहा है। इंडिया से आ रहा है? कोलकाता से आ रहा है। अच्छा, अच्छी बात है। तो आप क्या सजेस्ट कर रहे थे मेरे को पैसे के बारे में, क्या बोल रहे थे? सजेस्ट कोई नहीं, बट इतना पैसा सामने मत ले, थोड़ा पैसे कुछ सामने रखो, बाकी पैसे बच। शॉप एरिया में सेम नहीं है, प्रॉब्लम है। यस, जैसे शॉप ठीक है, बात में प्रॉब्लम है। यस, किसी के पास क्या रहता है कोई मालूम नहीं। जितने लोग मिले ना, बहुत अच्छे पॉजिटिव वाइब्स दे रहे, मतलब अच्छे सजेशन कर रहे, ये करो उधर खाना अच्छा मिलेगा। आपने जैसे सजेस्ट किया कि बिरयानी अच्छी मिलेगी, तो मैं डेफिनेटली उधर जाऊंगा बिरयानी खाने के लिए। तो और क्या चीजें, मतलब ये दीपावली का समय है, तो कैसे सेलिब्रेट करते हैं इधर दीपावली? सेम है, इंडिया जो सेलिब्रेट करे एक ही दिन करते हैं, एक ही दिन धूमधड़ा का पटाखा करे, आतिशबाजी। अभी थोड़ा काम हो रहा है, धूमधड़ा का पटाखा हुआ, वो है मतलब लीगल है, धूमधड़ा का पटाखा तो इलीगल नहीं है, इलीगल नहीं है, पॉल्यूशन होता है। दीपावली बाती सब जलाता है, वो तो पॉल्यूशन के हिसाब से कम भी करना चाहिए, वो अच्छी बात है। पॉल्यूशन भी है, रिस्क भी है, क्योंकि ये नजदीक शॉप है, कुछ लगा तो सब जल सकता है, कुछ भी हो सकता है, आग लग सकती है। अच्छा है, अभी संडे को बहुत बड़ा इधर पूजा है बोल रहे थे कुछ लोग। संडे तो बहुत मस्त है, बहुत मस्त पूजा होता है। अब रहने हो ना, हमें आ है 4-5 दिन में, इस एरिया में आओ, बहुत मजा आएगा, बहुत संडे में मॉर्निंग में आऊँ या नाइट में? नाइट में, स्पेशली नाइट में हम जाओगे कहाँ। तो मेरे को अपने इंडिया के भाई लोगों को देखना अच्छा लगेगा ना, कि कैसा है कैसा नहीं, ये बांग्लादेश वाले कैसे सेलिब्रेट कर रहे दीपावली हमारे लोग, ये भी मैं तो सुनता हूँ। मैंने किया 20 बार इंडिया गया भाई। अरे यार, 20 बार इंडिया गया। और हमारे, मैं अभी इतना नजदीक होकर मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो मैं सोच रहा था कि फर्स्ट दिन मैं बोर हुआ, बाकी के दिन मैं एंजॉय किया, बहुत एंजॉय नहीं हुआ। इंडिपेंडेंट पर्सन है, घूमो रात में निकलते नहीं, बाहर रात में निकलते नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा था कि मैं संडे के दिन नाइट में आऊँ या मॉर्निंग में आऊँ, यही पूछ रहा था। तो नाइट में ये देखने को, लाइटिंग वगैरह देखने को मजा आएगा, नॉट ओनली लाइटिंग, स्पीकर साउंड वगैरह बहुत सारी मजा आएगा, स्पेशल फॉर डीजे। संडे मंडे ट्यूजडे मस्त पार देखे एकदम, एकदम डोंट मिस इट। तुम सुंदर 7 में आ जाओ, 10 बजे चले जाओ, ह्यूज मजा होता है, ह्यूज एंजॉय होता है। तो एक आखिरी क्वेश्चन, अभी वो सब बोल रहे थे मुस्लिम कंट्री सेफ है, सेफ है, मतलब मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सब मजे में रह रहे, भाई भाई जैसे रहते, अच्छा लगा। ये प्रॉब्लम तो सब जैसे भी हो रहा है। हाँ, दरकार नहीं, 5 दिन का खेल है, अब इंडिया में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, सब देश में संकालू का प्रॉब्लम ऐसे ही हो रहा है, यही सही हो रहा है। तो उतना बताना कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं। वो आप जिस एरिया में रह रहे हो उस एरिया में मस्त रहो, मस्त रहो और एंजॉय करो, एंजॉय करो, इतना राजनीति का खेल मथा में लगा, आपका लाइफ है मस्त मस्त। चलो भाई, तो भाई का शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। भाई लोग, उन्होंने टी मंगाया है, मेरे को पता नहीं था ये भाई साहब ने लेके आए, और भाई साहब कस्टमर हैंडल कर रहे हैं, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ बांग्लादेशी चाय, एक नंबर।